मैं बनाल की आवाम को कहता हूं, लाओ नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को, डिबेट कराओ मेरे साथ, वो भी अपने काम गिने और हम भी अपने काम गिनेंगे। एक काम नहीं उनका निकलेगा, अगर एक काम निकलेगा तो विकार रसूल इलेक्शन से विड्रॉ हो जाएगा। दिखाए फारूक अब्दुल्ला का कोई इंस्टीट्यूट इनॉग्रेशन या फाउंडेशन, दिखाए उमर अब्दुल्ला का कोई इंस्टीट्यूट इनॉग्रेशन या फाउंडेशन, दिखाए शेख अब्दुल्ला का कोई इंस्टीट्यूट इनॉग्रेशन या फाउंडेशन। बनाल में बेवकूफ बनाने निकलते हो गाँव गाँव, तुम्हें पता है तुम लोगों ने खून चूसा है, ये लाल झंडा खून वाला झंडा है और इसमें सबसे ज्यादा खून अगर है वो बहरहाल के लोगों का है। 70 साल तुम लोगों ने हमको कॉलेज नहीं दिया, आज पैसे लेके निकलते हो खरीदने। अरे ये मेरे भाई, हर शाम को इनके पास तुम्हारी टीम पहुंचती है पैसे लेके, मगर ये हमारे खुददार गुजर है, खुददार ये नहीं बिकते हैं। तुम लोग इनको बोलते हो बिकाओ, लेकिन ये सुन्नत रसूल अल्लाह पे चलने वाले लोग हैं, अल्लाह इनको इज्जत दे। ये नहीं बिकते हैं तुम्हारे पैसों में, हमेशा मैं सुनता हूं साछाल टीम चली गई पैसा लेके, नेशनल वाले चले गए, लेकिन जब वोट डालने की बारी आती है तुमको एक वोट यहां से नहीं मिलता है, क्योंकि ये तुम्हारे सामने बिकते नहीं है। तुम्हारा फारूक अब्दुल्ला बिकने वाली बातें करे या वो लोंडा जो मेरे पीछे पीछे था वो बिकने वाली बातें करे, लेकिन हमारा गुजर बिकने वाला नहीं है। हमारा गुजर जान देगा, खुददार कौन है, गरीबी की जिंदगी गुजारेगा, लेकिन बिकता नहीं है भाई। हमें प्यार है इस कौम से, हमें मोहब्बत है, बचपन से मोहब्बत है इस कौम से, और इंशाल्लाह ये कौम बिकेगी नहीं कर। लिहाजा मेरे भाइयों, उठो जागो खड़े हो जाओ। मैं बहरहाल की आवाम को, यहाँ की नौजवान नस्ल को कहना चाहता हूँ, मत बनो बेवकूफी लोगों के सामने। इन्होंने कभी हमें कुछ नहीं दिया, जो कॉलेज हमें 1970 में मिलना चाहे था वो कॉलेज ने हमें कभी नहीं दिया, वो 2008 में कांग्रेस की सरकार ने दिया।